स्टोरी, एक चोर स्टिल ए थीफ व्हेन आई मीट अनिल, यानी जब मैं अनिल से मिला था तब भी मैं एक चोर था। आई वॉज स्टिल ए थीफ यानी मैं एक चोर था। व्हेन आई मीट अनिल जब मैं अनिल से मिला था। एंड दो आई वॉज ओनली 15 और यद्यपि या फिर भी मैं कितने साल का था यहाँ पर ओनली केवल 15 वर्ष का था। I was an experienced and fairly successful hand, यानी कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस उम्र में भी बहुत ही ज़्यादा experience था, यानी चोरी करने का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव था। and fairly successful hand और मेरा हाथ है इन चीज़ों में सफल था। किसमें? यानी कि मैं आसानी से हाथ की सफाई जानता था। कैसे हाथ की सफाई? यानी आसानी से वो चोरी कर सकता था। तो उसका अनुभव है यहाँ पर काफी सफल चोर के रूप में, यहाँ पर उसका अनुभव यहाँ रहता है। फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी कि सफल चोर के रूप में उसका अनुभव रहता है। अनिल वाज वाचिंग ए रेस्टलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, यानी अनिल वाज वाचिंग यानी अनिल देख रहा था ए रेस्टलिंग मैच, यानी कि एक जो रेसलिंग का मैच होता है। रेसलिंग का मैच क्या होता है? ये रेसलिंग नहीं है, रेसलिंग है ये। रेसलिंग का मैच क्या होता है जो हम टीवी में देखते हैं, कुश्ती वाला जो मैच होता है उसे हम कहते हैं रेसलिंग। तो अनिल यहाँ पर क्या देख रहा था? रेसलिंग का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच हिम यानी जब मैं उसके पास में पहुंचा तो अनिल क्या देख रहा था? कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25, यानी कि वो लगभग 25 साल का था। A tall and lean fellow, यानी कि एक लंबा और lean fellow, यानी कि दुबला पतला, लंबा और दुबला पतला वह 25 साल की उम्र का था। And he looked easy going, और उसने मेरी तरफ यानी कि आसानी से देखा। easy going, इजी गोइंग होता है एक तरीके से, हम यहाँ पर यूज करेंगे इजी गोइंग होता है एक तरीके से सहन, यानी क्या होता है एक तरीके से कोई शांत भाव से देखता है, सहज रूप से जो देखता है इजी गोइंग यानी कि शांत। ही लुक्ड इजी गोइंग यानी मुझे शांत भाव से सहज रूप से देखा। काइंड एंड सिंपल यानी दयालु भाव से एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, जो कि मेरे पर्पज के लिए ये एनफ था। एनफ था यानी पर्याप्त था, जब मेरा उद्देश्य था उसके लिए ये पर्याप्त था कि मुझे उसने शांत भाव से देखा था, यानी मेरे लिए ये काफी अच्छा था, काफी सीधा साधा सा मुझे लगा था। निश्चित था आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन कॉन्फिडेंस, यानी मैं यहाँ पर ये निश्चित था कि मैं इस जवान आदमी का क्या जीत लूंगा? भरोसा जीत लूंगा। कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा, यानी उसको ये विश्वास था कि वो जल्दी ही इस यंग आदमी का कॉन्फिडेंस भरोसा है वो जीत लेगा, विश्वास है वो जीत लेगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, यानी मैंने उससे कहा, क्या कहा? यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, ऐसे लगते हो एक ऐसे लगते हो कुश्ती करने वाले जैसे लगते हो, या तुम्हारा शरीर भी एक कुश्ती करने वाले का जैसा है। आई सेड, मैंने कहा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जो बंदा आया था अनिल से मिलने, उसने ये कहा था। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, यानी ए लिटिल फ्लैटरी होता है किसी को फ्लैट करते हैं, यानी कि किसी की झूठी तारीफ करते हैं उसे बोलते हैं फ्लैटरी। तो ए लिटिल फ्लैटरी यानी थोड़ा बहुत झूठी तारीफ हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड यानी दोस्त बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आया था, जो लड़का आया था 15 साल का चोर, वो अनिल को दोस्त बनाना चाहता है, तो थोड़ी सी फ्लैट करने के लिए उसको ऐसा बोलता है कि तुम भी एक कुश्ती करने वाले जैसे लगते हो। नेक्स्ट हम बोले जैसे कि सो डू यू, यानी कि
तुम भी ऐसा ही लगते हो, ही रिप्लाइड, यानी उसने कहा कि तुम भी ही वैसे हो जैसे मैं पहलवान हूँ, या जैसे मैं तुम्हें पहलवान दिख रहा हूँ वैसे ही तुम मुझे भी पहलवान दिख रहे हो, ही रिप्लाइड, उसने ऐसा उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, यानी कि यहाँ पे ऑफ यानी कि जो कि मुझे क्या लगा, थोड़ा अजीब लगा। क्यों अजीब लगा? क्योंकि मैं उस टाइम ऑफ, पुट मी ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से थोड़ा नाराजी टाइप में हो जाता है, पुट मी ऑफ, या मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे आई वाज रेदर थिन यानी कि मैं बहुत पतला था और उसने मुझे कुश्ती करने वाला बोला, इसलिए मुझे थोड़ी समय के लिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। फिर आई यानी मैंने कहा ठीक है अच्छा है, आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी शिष्टाचार पूर्ण से कोई बात कही जाती है, शांति से कोई बात कही जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर मॉडेस्टली। तो मैंने शांति से या शिष्टाचार पूर्वक ये कहा, क्या कहा था, आई डू रेसलर एविट यानी कि मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। रेसलर रेसल रेसल मतलब होता है कुश्ती, यानी कि मैं भी यहाँ पर थोड़ी बहुत है कुश्ती कर लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने झूठ बोला। मैंने क्या झूठ बोला? मैंने अपना नाम हरी सिंह बता दिया, जबकि मेरा असली नाम यहाँ पर हरी सिंह नहीं था। तो ये कौन बोल रहा है? चोर बोल रहा है। चोर अपना नाम यहाँ पर हरी सिंह बता रहा है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं यानी यहाँ पर ये मन में सोच रहा है कि मैं हर महीने एक नया नाम दे देता हूँ, क्योंकि चोरी करने के लिए मुझे लोगों के घर में जाना होता है, तो मैं अपना एक अलग नाम दे देता हूँ ताकि मुझे जो पिछले चोर हैं यानी कि पिछले लोगों के पास में जहाँ मैंने चोरी की है वो मुझे मेरे नाम से ना पहचान सके, इसलिए मैं हर महीने क्या है नाम बदल ले। दैट कीप्स मी अहीड ऑफ पुलिस यानी जो मैं नाम बदलता हूँ ये मुझे पुलिस से बचाता है, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स और जिन लोगों के मैंने पहले यहाँ चोरी की है उन लोगों से भी मुझे बचाता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन यानी कि इस इंट्रोडक्शन के बाद में, मतलब कि जो पहचान वाली बातें यहाँ पर हो गई यानी आपस में जान पहचान हो गई, किसकी, अनिल की और हरी सिंह की। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन यानी इस इंट्रोडक्शन के बाद में क्या होता है, अनिल टॉल टॉक अबाउट द रेसलर हु वर ग्रंटिंग यानी ये जब परिचय इनका आपस में समाप्त हो जाता है तो अनिल क्या करता है, अनिल उन लोगों के बारे में बात करता है। अनिल टॉल्ड अबाउट दी वेल ऑयल्ड रेसलर यानी अनिल उन लोगों के बारे में बात करता है जो तेल लगाए हुए पहलवान यहाँ पर दिख रहे हैं, वेल यानी कि जो यहाँ पर गुर्रा रहे हैं, कहाँ पर गुर्रा रहे हैं, टीवी में गुर्रा रहे हैं, तो जो यहाँ पर गुर्रा रहे हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं उन लोगों के बारे में अनिल अब बात करने लगता है। एंड लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट यानी कि जो एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे हैं, एक दूसरे पर गुस्सा रहे हैं, यहाँ पर गुर्रा रहे हैं, जो भी रेसलर हैं यहाँ पर जो भी कुश्ती करने वाले हैं एक दूसरे को उठा रहे हैं, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर यानी एक दूसरे को फेंक रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर अनिल बात करने लगता है। आई डिड नॉट हैव मच टू से यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आई डिड नॉट हैव यानी मैं ज़्यादा नहीं रखता, मच टू से यानी कहने के लिए यानी मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। अनिल वॉक अवे और यहाँ पर अनिल चल देता है, क्योंकि जब अनिल उनके बारे में बात कर रहा था, रेसलरों के बारे में यानी कि कुश्ती करने वालों के बारे में बात कर रहा था, तो चोर बोलता है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मुझे कुश्ती वालों के बारे में पता हो, तो मैं यहाँ पर शांत रहता हूँ, मेरे पास में कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल फिर यहाँ पर से क्या चल देता है,
अनिल चल देता है तो क्या होता है, आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसको क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ, जैसे वो चल देता है मैं भी उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। तो ये बात कौन बोल रहा है, चोर बोल रहा है कि जैसे ही अनिल चलता है तो मैं भी अनिल के पीछे पीछे चल देता हूँ। हेलो अगेन ही सेड, तो वो वापस से दोबारा मुझे हेलो कहता है, यानी कि मुझे बोलता है, यानी उसने वापस से मुझे हेलो बोला। नेक्स्ट हम देखें, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग स्माइल, जो सबसे ज़्यादा आकर्षक जो मेरी मुस्कान है, जो मेरी हंसी है, वो उनके सामने पेश करी, यानी कि मैंने उन्हें दी। जैसे हम मुस्कुराते हैं नॉर्मली, वो इस तरीके से यहाँ पर चोर है अनिल के सामने मुस्कुराता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, चाहता हूँ या मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, यानी मैंने कहा। तो चोर कहता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन यहाँ पर अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, यानी मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाहता, या मैं कुछ तुम्हें दे नहीं सकता, बट आई कैन नॉट पे यू, बट नॉट के लिए सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ मैं, यानी चोर यहाँ पर सोचता है, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए टाइम, यानी मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर सोचता हूँ, या कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए यहाँ पर मैं सोचता हूँ, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, यानी कि मैंने अपना जो आदमी चुना है, मैंने जो अपना शिकार चुना है, वो गलत चुन लिया है, मिसजज्ड यानी कि गलत चुन लिया है, इसके पास तो मेरे पास मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, मैं इसके पास से क्या चुराऊंगा। आई आस्क्ड, मैंने अपने आप से पूछा, यानी कि वो अपने आप सोचता है कि मैंने शायद गलत आदमी को चुन लिया है। आई आस्क्ड, यानी कि चोर पूछता है, कैन यू फीड मी, तुम अगर मुझे कुछ नहीं दे सकते तो क्या मुझे खाना तुम दे सकते हो, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। तो फिर यहाँ पर फिर वापस से अगेन, यानी कि वापस से चोर यहाँ पर झूठ बोलता है कि मैं खाना बना सकता हूँ, जबकि चोर को खाना बनाना यहाँ पर आता नहीं है। इफ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, या मैं तुम्हें खाना दे दूँ। अगर तुम खाना बना सकते हो सकता है मैं तब तुम्हें खाना दे सकता हूँ। नेक्स्ट देखें, He took me to his room over the sweet shop, यानी कि वो मुझे अपने रूम में ले जाता है, कौन, अनिल चोर को यहाँ पर अपने रूम में ले जाता है। He took me to his room over the sweet shop, जो यहाँ पर मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर जो रूम था, उस रूम में, अपने रूम में वो ले जाता है। And told me, और क्या वजह है, यहाँ पर बताता है, आई कुड स्लीप, आई कुड, कुड मतलब सो सकना, सकना, सकने के लिए यूज किया है, कि आई कुड स्लीप ऑन बालकनी, यानी कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, बट परंतु द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, यानी कि जो मील, बट द मील यानी कि जो मैंने भोजन बनाया था, आई कुक्ड यानी मैंने बनाया था या मैंने पकाया था, दैट नाइट यानी कि उस रात को, जिस रात को आपने पूछा था कि तुम भोजन बना सकते हो, उस रात को जब मैंने भोजन बनाया था, That night must have been terrible, यानी कि वो खाना बहुत ही भयानक था, because, क्योंकि अनिल gave it to stray dog, यानी कि अनिल ने उस खाने को खाया नहीं था, किसको दे दिया था, अनिल ने उस खाने को stray dog, यानी कि यहाँ पर जो कुत्ता था सीढ़ियों पर, उस कुत्ते को यहाँ पर दे दिया था। तो ये खाना बहुत
खराब बनाया था यहाँ पर स्टोर ने, इस वजह से अंडर ने यहाँ पर जो भोजन है वो किसको दे दिया था, स्ट्रे डॉग यानी एक आवारा कुत्ता था उसको दे दिया। एंड इट टोल्ड मी टू बी ऑफ, और फिर वो मुझे बताता है और मुझसे उसने क्या कह दिया, चले जाने के लिए कह दिया, टोल्ड मी टू बी ऑफ यानी कि मुझसे चले जाने। के लिए मैं उसको यहाँ पर उसके चारों तरफ, आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि उसने जब अनिल के लिए यहाँ पर चोर ने खराब खाना बनाया था या बेकार खाना बनाया था तो अनिल उसे जाने के लिए कह देता है, लेकिन चोर क्या करता है, उसी के चारों तरफ घूमता रहता है, हंग अराउंड यानी कि उसी के चारों तरफ घूमता रहता है और जो अपनी स्माइल है वो उसके सामने पेश करता रहता है। अपीलिंग वे यानी कि जो स्माइल सबसे ज़्यादा आकर्षक हो उस स्माइल को उसके सामने पेश करता रहता है। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो क्या करता है, जब इस तरीके से हंसता है तो वह भी यहाँ पर अपने आप को हंसे बिना रोक नहीं पाता, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग यानी कि वो अपने आप को हंसे बिना रोक नहीं पाता है। लेटर बाद में क्या होता है, ही पैटेड मी ऑन दी हेड, तो फिर बाद में क्या होता है, वह मेरा सिर थपथपाता है, ही पैटेड, पैटेड मतलब सिर थपथपाना, ही पैटेड मी ऑन दी हेड, तो वो मेरा सिर थपथपाता है एंड सैड, और कहता है यानी अनिल यहाँ पर चोर का सिर थपथपाता है और कहता है, क्या कहता है, नेवर माइंड तुम ध्यान मत दो, ही डिड टीच मी टू केक यानी कि वह तुम्हें खाना बनाना भी सिखाएगा, ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया, एंड सेड और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और ये उसने बताया कि जल्दी ही वो, ही वुड सून टीच मी यानी कि वो जल्दी ही मुझे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, टू राइट होल सेंटेंस यानी सब तरीके के जो वाक्य हैं किस तरीके से लिखते हैं, एंड टू एड नंबर, और किस तरीके से नंबर्स को जोड़ा जाता है, किस तरीके से संख्याओं को जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पर अनिल चोर से कहता है कि वो उसको लिखना भी सिखाएगा और उसको नंबर्स लिखना भी सिखाएगा, उसको नाम लिखना भी सिखाएगा यानी कि उसे शिक्षित कर देगा। आई वाज ग्रेटफुल यानी कि मैं यहाँ पर अपने आप को क्या महसूस कर रहा था, एक अच्छा इंसान महसूस कर रहा था, आई वाज ग्रेटफुल यानी कि मैं कृतज्ञ महसूस कर रहा था, एहसान मंद महसूस कर रहा था, किसका, अनिल का। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक, मैं ये जानता था, आई न्यू दैट यानी मैं जानता था, दैट की वंस आई कुड राइट यानी जब मैं एक बार लिखना स्टार्ट हो गया या एक बार मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, एंड ए एजुकेटेड मैन यानी एक शिक्षित व्यक्ति की तरह अगर मैं लिखना सीख गया या लिखना स्टार्ट कर दिया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होगी मेरे लिए कि मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, अगर मैं शिक्षित बन गया, अगर मैं पढ़ा लिखा बन गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देयर इज नो लिमिट, यहाँ पर मेरी लिमिट नहीं रहेगी, मुझे ये चोरी चोरी है ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कुड अचीव विदाउट लिमिट यानी मुझे वहां पर लिमिट की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं अनलिमिटेड चीजें हैं प्राप्त कर सकता हूँ अगर मैं एजुकेटेड हो गया, तो ये कौन सोचता है, चोर सोचता है। आई वाज इट वाज क्वाइट, तो यहाँ पर अनिल के काम, अनिल के लिए जब वो चोर काम करता है, आई वाज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल यानी कि जब मैं अनिल के लिए काम कर रहा था तो मैं खुश था। आई मेड दी टी इन दी मॉर्निंग, मैं सुबह क्या बना देता था, चाय बना देता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम सप्लाई, और फिर दिन का समय है, मैं दिन की जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीदने में खर्च कर देता था, यूजुअली ज्यादातर मुझे जो फायदा होता था एक दिन में मुझे 1 रुपए के आसपास का यहाँ पर फायदा होता था। आई कुड आई थिंक, मैं सोचता था, ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी यानी मैं जानता था कि इस तरीके से मैं कम पैसे बना रहा हूँ, कम पैसे मुझे मिल रहे हैं, दिस वे
यानी इस तरीके से मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन जो अनिल था इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं। तो ये मेरा मानना था कि मैं थोड़ा बहुत पैसा तो कमा लेता था, लेकिन उससे इसको यहाँ पर ही डिड नॉट सीम टू माइंड, यानी अनिल को यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी, यानी अनिल क्या है यहाँ पर, धन कमाता था। मेड मनी किसे, फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि अनिल है कभी कभी धन कमाता था, कभी नहीं कमाता था, कभी कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, यानी कि वो एक सप्ताह में उधार मांगता। ही वुड बोरो 1 वीक यानी एक सप्ताह में तो वो उधार मांगता। एंड लेंड द नेक्स्ट यानी अगले सप्ताह में वो दूसरे को उधार देता था। ही कीप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह हमेशा ही क्या करता रहता था, किसके बारे में, जो नेक्स्ट चेक, जो उसको पैसे पैसे हैं यहाँ पर किससे मिलते थे, चेक से मिलते थे, तो वो अपने नेक्स्ट चेक, अगले चेक की वो प्रतीक्षा करता रहता था। बट परंतु एज सून एज इट अराइव, जैसे ही वो चेक मिलता था, ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता एंड सेलिब्रेट, यानी कि वो सेलिब्रेट करता, उन पैसों को बाहर जा करके क्या कर देता था, खर्च कर देता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो क्या लिखता है, मैगजीन्स के लिए लिखता है, क्या ऐसा लिख रहा लग रहा था उसके आवाज से कि वो मैगजीन के लिए लिखता है। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, यानी कि एक आजीविका कमाने का एक अजीब सा तरीका था, विचित्र सा तरीका था। क्वीर वे यानी कि एक विचित्र सा तरीका, यानी मैगजीन वालों के लिए वो कुछ लिखता था, यानी लेखक का काम हो सकता है वो पढ़ता हो। वन इवनिंग, एक सुपर बंडल ऑफ नोट, यानी कि एक छोटे नोटों के बंडल के साथ में, यानी कि एक दिन वो कुछ कमा करके लाता है घर पर, कब आता है, शाम को आता है। वन इवनिंग यानी एक शाम को वो अपने छोटे कमाई के साथ में, स्मॉल बंडल ऑफ नोट यानी अपनी छोटी कमाई के साथ में घर पर आता है। एंड सेइंग, और कहता है, ही हैड नहीं, उसने एक किताब यहाँ पर बेची है, एक जो किताब पब्लिश करने वाला होता है पब्लिशर, उसको उसने एक किताब बेची है। एट नाइट, और उस रात, आई सा हिम टक दी मनी अंडर दी मैट्रिस, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैंने उसे देखा कि वो अपना जो पैसा है वो किसके नीचे रख देता है, मैट्रिस, मैट्रिस होता है जहाँ पर वो सोता है उसी के नीचे वो रख देता है पैसा। तो यहाँ पर पैसे को किसके नीचे रख देता है, गद्दे के नीचे, अंडर दी मैट्रिस यानी कि जो सोता है उस गद्दे के नीचे पैसे को रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए वर्क कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ यानी कि लगभग 1 महीने से मैं, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन दी शॉपिंग, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, उसको चीट कर रहा था, किसमें, शॉपिंग में, यानी कि जब जो मैं चीज़ें खरीद के लाता था उसमें मैं चीटिंग करता था, कुछ बेईमानी कर लेता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी कि जो मैं चीटिंग कर रहा था, यानी काम भी कर लेता था अनिल के लिए और उस अनिल के साथ में मैं चीटिंग भी कर लेता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी कि इसमें मेरा जो काम था, मेरा काम क्या था, चोरी करने का, तो यहाँ पर मैं चोरी उतनी बड़ी नहीं कर पा रहा था, यानी मैंने ऐसा काफ़ी दिनों से कुछ नहीं किया था, मेरा जो काम था चोरी करने का, ऐसी चोरी मैंने अभी की नहीं थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और अवसर है, ये चोरी करने का मेरे पास में एक अवसर है। अनिल हैड गिवन मी एक की टू दी डोर, यानी कि अनिल ने मुझे अपने दरवाजे की एक चाबी भी दी है, इसके लिए कि आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, यानी कि जब मुझे अच्छा लगे या जब मैं बाहर जाना चाहूँ या आना चाहूँ, उसके लिए अनिल ने मुझे दरवाजे की भी चाबी दी है। तो हो सकता है कि मैं पैसे चुरा करके भाग जाऊँ, और चाबी तो मेरे पास है ही। आई हैड एवर मीट, यानी कि ये सबसे भरोसेमंद आदमी है, जितने लोगों से मैं आज तक मिला हूँ उनमें से
सब में से ये सबसे ऊपर आता है, यानी ये सबसे भरोसेमंद आदमी है। एंड दैट क्या है, इसकी चोरी करना या उसकी डकैती, रॉबरी होता है डकैती, तो उसी से लिया गया है रब हिम, यानी कि वो कहता है यहाँ पर कि इस काम को अनिल के साथ में करना थोड़ा डिफिकल्ट है या उसको थोड़ा अजीब सा महसूस यहाँ पर होता है, इसी कारण से वो इसको अनिल को लूटना कठिन कार्य यहाँ पर समझता है। इट इज ईजी टू रब ए ग्रेडी मैन, यहाँ पर एक जो लालची आदमी होता है उसको लूटना यहाँ पर आसान होता है, बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रब्ड, यानी कि जो चोरी हुआ है उसको वो क्या कर सकता है, लूटे जाने को वो सहन करने में समर्थ होता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रब ए केयरलेस मैन, यहाँ पर एक केयरलेस मैन जो होता है, एक लापरवाह जो इंसान होता है उसको लूटना थोड़ा कठिन है, क्योंकि क्या होता है समटाइम खुद ये ध्यान नहीं देता, ही इज बीन रब्ड, यानी वो खुद ये ध्यान नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है, उसे ये ध्यान नहीं रहता, वो लापरवाह होता है। कोई लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वो खुद ध्यान नहीं देते कि उन्हें कोई लूट भी लिया है। एंड दैट्स टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ माई वर्क, और अगर कोई ये ध्यान नहीं देता है कि उसे लूट लिया गया है तो वो काम मुझे खुशी नहीं देता है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे काम की खुशी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को पता चले, वो दुखी हो। तो इसलिए यहाँ पर अनिल लापरवाह इंसान है, वो अपने पास जो पैसे आते हैं उनको खर्च कर देता है, इस वजह से अगर इसको लूट भी लिया जाए तो हो सकता है इसको ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन पैसों का हो सकता है फर्क ना पड़े लेकिन विश्वास का इसको फर्क पड़ सकता है। तो हम यहाँ पर कहें जैसे कि वेल इट्स टाइम, यानी कि अच्छा ये समय है, आई डिड सम रियल वर्क, मैं कुछ जो मेरा हकीकत का काम है, चोरी करने का काम है, वो मैं करता हूँ। I told myself, यानी मैं खुद अपने आप को ही बताता हूँ कि मुझे अपना काम करना चाहिए। I am out of practice, यानी कि मुझे काफ़ी दिनों से अभ्यास भी नहीं है। And if I do not take the money, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, he will only waste in on his friend, अगर मैं ये पैसे नहीं चुराऊँगा तो ये क्या करेगा, he will only waste it on his friend, ये सारे पैसे अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। After all, और अंत में He did not even pay me, और अंत में मुझे कुछ भी ये देने वाला नहीं है। अनिल was asleep, यानी कि अनिल यहाँ पर सोता रहता है या सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed, यानी कि जो चांद की जो किरण आ रही थी, a beam of moonlight, यानी चांदनी की जो किरण आ रही थी, stepped over the balcony, यानी बालकनी के ऊपर क्या रही थी, चांदनी की किरण आ रही थी, और क्या हो रहा था, जो चांदनी की किरण आ रही थी उनको हम क्या किस पर फील कर सकते थे, बेड पर फील कर सकते थे। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं फ्लोर पर बैठ जाता हूँ, यानी कि जो फर्श होता है उस पर बैठ जाता हूँ। कंसीडरिंग यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है उसको मैं कंसीडर करता हूँ, उससे समझने का प्रयास करता हूँ कि मुझे किस तरीके से चोरी करनी है। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा लेता हूँ कि आई कुड एक्सप्रेस टू लखनऊ, यानी कि एक ट्रेन है जिसको मैं यहाँ पर पकड़ सकता हूँ, तो अगर मैं चोरी कर लेता हूँ या पैसे चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे, 10:30 बजे की यहाँ पर एक एक्सप्रेस टू लखनऊ, यानी कि लखनऊ जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वह उसको मैं पकड़ सकता हूँ। तो ट्रेन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यानी मैं कम्बर से बाहर निकलता हूँ। एंड आई क्रीप्ड अप टू द बेड, और मैं बेड की तरफ क्या करता हूँ, खिसकता हूँ, क्रीप्ड
क्रीप्ट मतलब होता है सांप की तरह रेंगते हुए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रीप्ट। आई क्रीप्ट अप टू बेड, यानी कि मैं बेड तक, जो अनिल सोया हुआ था उस बेड तक रेंगते हुए जाता हूँ। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल यहाँ पर शांति से सोया हुआ था, अनिल को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं थी। हिज फेस वाज क्लियर, और उसका चेहरा एकदम शांत था। एंड अनलाइंड, यानी उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं थे, उसका फेस एकदम साफ था। इवन आई हैड मोर मार्क, यानी मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। थू माइन वार मोस्टली, बहुत सारे निशान थे। और हालांकि ये चेहरे के निशान जो थे वो किसके थे, घाव के, यानी लोगों ने चोरी करते समय पीटा होगा, उनके घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैटर्स, यानी कि मेरा जो हाथ है गद्दे के नीचे जाता है, तो मैं अपना हाथ है गद्दे के नीचे जाता है, यानी मेरा हाथ गद्दे के नीचे मैं डाल देता हूँ। तो सर्चिंग फॉर दी नोट्स, यानी पैसे यहाँ पर गद्दे के नीचे हाथ डाल करके मैं पैसे तलाशना स्टार्ट कर देता हूँ कि गद्दे के नीचे पैसे कहाँ पड़े हुए हैं। वहीन आई फाउंड देम, जब मुझे नोट ग्राउंड तो मैं उसकी बाहर खींच लेता हूँ, जो पैसे हैं मैं बाहर खींच लेता हूँ। अनिल साइड, अनिल साइज्ड इन दी इन हिज स्लीप, यानी कि अनिल क्या करता है यहाँ पर, अनिल यहाँ पर क्या करता है, सोते हुए उबासी लेता है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अनिल नींद में गहरी सांस लेता है। स्लाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, तो अनिल यहाँ पर एक गहरी सांस नींद में लेता है और मेरी तरफ घूम जाता है। टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, यानी कि उसकी जो साइड है वो मेरी तरफ ले लेता है, मेरी तरफ करवट ले लेता है। आई वाज स्टार्टलेड, यानी कि मैं यहाँ पर चौंक जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, चौंक जाता हूँ। एंड क्विकली, और शीघ्रता से, आई क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और शीघ्र ही मैं यहाँ पर रेंगते हुए शीघ्रता से रूम से बाहर आ जाता हूँ। वहीन आई वाज ऑन द रोड, और जब मैं यहाँ पर रोड पे आ जाता हूँ, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ना प्रारंभ करता हूँ। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, यानी कि मैं जो नोट हैं जो मैंने चुराए थे उसको कहाँ पर रखता हूँ, एट माई वेस्ट, यानी कि मेरी कमर का जो हिस्सा है वहाँ पर मैं उनको नोटों को रखता हूँ। कमर के हिस्से पे कहाँ पर नोट रखे हुए हैं, यानी कि कमर के हिस्से में उसने कुछ रखा है, उसे यानी कि उसके पाजामा की जो नाड़ा होता है या पाजामे की जो डोरी होती है उससे वो नोट हैं यहाँ पर उसके बंधे हुए थे। दी नोट, यानी कि वो क्या करता है, वो दौड़ते हुए अब धीरे धीरे की स्थिति में आ जाता है। पहले दौड़ रहा था, अब वो अपनी स्पीड को गिनना स्टार्ट कर देता है। 600 रुपीज इन 50, यानी 50-50 के कितने नोट थे, 50-50 के 600 रुपए थे। I could live like a oil rich Arab for a week or two, यानी कि मैं इन पैसों से क्या कर सकता था, for a two week or two, यानी कि एक सप्ताह या दो सप्ताह तक, जो अरब के रिच ऑयल मैन होते हैं, यानी कि जो अमीर तेल वाले होते हैं, अमीर तेल के व्यापारी जो होते हैं अरब के, उनकी तरह मैं 2-3 सप्ताह तक यहाँ पर जी सकता हूँ या रह सकता हूँ। तो अमीर तेल व्यापारियों की तरह मैं यहाँ पर 2-3 सप्ताह तक रह सकता हूँ, ऐसा उन पैसों से संभव था। वहीं आई रीच्ड द स्टेशन, और जब मैं स्टेशन पहुँचता हूँ, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं यहाँ पर जहाँ पर टिकट मिलते हैं वहाँ पर मैं रुकता नहीं हूँ। क्यों नहीं रुकता हूँ, आई हैड नेवर बॉट ए टिकट
इन माई लाइफ, यानी कि मैंने अपने जीवन में कोई भी टिकट नहीं खरीदा था, बट डैश डे। और जब मैं यहाँ पर टिकट ऑफिस के सामने नहीं रुकता हूँ तो मैं कहाँ चला जाता हूँ, सीधा डैश डे स्ट्रेट टू दी प्लेटफॉर्म। लखनऊ जो एक्सप्रेस है यहाँ पर सिर्फ जाने ही वाली थी, एक्सप्रेस बाद जस्ट मूविंग, यानी कि वो जाने ही वाली थी। दी ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, यानी कि ट्रेन इतनी स्पीड पर चल रही थी कि मैं उसको पिकअप कर सकता था, यानी कि मैं उसमें चढ़ सकता था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरिजेस, यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ना चाहता था, आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प, यानी कि मैं जंप करने की स्थिति में था। किस में जंप करने की स्थिति में था, इन टू वन ऑफ द कैरिजेस, यानी मैं किसी एक डिब्बे में यहाँ पर आसानी से चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेड, लेकिन मुझे यहाँ पर संकोच होता है, मैं कुछ हिचकिचाता हूँ, यानी मैं चढ़ता नहीं हूँ। फॉर सम रीजन, यानी किसी कारण की वजह से, उस कारण को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट दी चांस, सोचते हुए अपना जो चांस है, जाने का जो चांस है ट्रेन में, जो मैं जाना चाहता हूँ उसको मैं गवा देता हूँ। वहीन दी ट्रेन हैड गॉन, और जब यहाँ पर ट्रेन चली जाती है, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन दी डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी यहाँ पर रेगिस्तानी रूप का जो प्लेटफॉर्म है, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म यानी रेगिस्तानी रूप का जो प्लेटफॉर्म है, रेगिस्तान की तरह जैसे रेगिस्तान में कोई नहीं होता है, उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर वो खुद अकेला खड़ा था, कोई भी वहाँ पर नहीं था। ही हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड दी नाइट, और उसे यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी यहाँ पर विचार नहीं था कि उसे यहाँ पर, यानी कि मुझे यहाँ पर कोई भी ये विचार नहीं था कि मुझे अपनी रात कहाँ गुजारनी चाहिए, स्पेंड दी नाइट यानी रात कहाँ गुजारनी चाहिए। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे कोई भी दोस्त नहीं, यानी मैं ये विश्वास करता था कि जो दोस्त होते हैं वो मदद करने से ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए मेरा कोई यहाँ पर दोस्त नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, यानी कि मैं स्टेशन के पास में जो छोटे यहाँ पर क्या बने हुए हैं, इसमें स्टेशन के पास में जो छोटे होटल होते हैं उनमें रुक करके मैं किसी की भी क्यूरियस यानी जिज्ञासा को बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं इन छोटे होटलों में रुकूंगा तो कोई मुझसे पूछेगा ही कि तुम रात को यहाँ पर क्यों रुक रहे हो, तो इस बात को मैं बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं छोटे होटलों में रुका नहीं। बंदा कौन था, एक ही आदमी ऐसा था जिसको मैं जानता था और उसी आदमी को मैंने यहाँ पर लूटा था, वो कौन था, अनिल था। लीविंग द स्टेशन, और वो इस तरीके से सोचते हुए क्या है, स्टेशन को छोड़ देता है यानी स्टेशन से बाहर जाता है। एंड आई वॉक्ड स्लोली थ्रू दी बाजार, और धीरे करियर एज ए थीव, और मेरे छोटा सा जो जीवन है चोर की तरह, यानी चोरी का मेरा जो यानी छोटा सा जो गोल है ये हम कह सकते हैं, उसके बारे में बता रखा है कि चोर रूपी जो छोटा सा जीवन था, यानी कि मैंने यहाँ पर, जब लोग अपनी चीज खो देते हैं तो उनके चेहरे पर किस तरीके की आभाव होते हैं, इस बात को मैंने स्टडी किया है, इस बात को मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरा काम ही था चोरी करना। द ग्रेडी मैन शोड फियर, यानी कि जो लालची लोग होते हैं वो क्या दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, यानी लालची लोगों को
रहता है, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो क्या दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं जब उनको लूट लिया जाता है अमीर लोगों को, तो वो गुस्सा दिखाते हैं। लालची लोग हैं वो डर दिखाते हैं, एंड दी पुअर मैन आता है वो क्या दिखाता है, एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार कर लेता है कि मेरे भाग्य में हो सकता है वो पैसे ही नहीं थे। तो गरीब लोग है ये स्वीकृति दर्शाते हैं, किंतु यहाँ पर हम बात करें बट आई नो दैट अनिल फेस, लेकिन मुझे यहाँ पर उस अनिल का फेस याद है। कैसे याद है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ, यानी कि जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड सो कि वो यहाँ पर सिर्फ उदास होगा। इसकी वजह से उदास होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, यानी कि पैसे जाने की वजह से उदास नहीं होगा, इसकी वजह से उदास होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास को खोने की वजह से वो उदास होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और मैं अपने आप को इस तरीके से बात करते हुए मैदान में पाता हूँ, यानी कि मैं मैदान में पहुँच जाता हूँ। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक यहाँ पर बेंच है उस पर मैं बैठ जाता हूँ। द नाइट, जो रात है बहुत ठंड, रात नाइट वाज चली, यानी कि रात में ठंड थी। इट वाज ईयरली नवंबर, यानी कि ये नवंबर की क्या थी, शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल, एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो मेरी डिस्कम्फर्ट, यानी जो मेरी परेशानी थी, इसको किसने बढ़ा दिया था, लाइट ड्रिजल, यानी छोटी छोटी बूंदों की बारिश हो रही थी, थोड़ी बहुत यहाँ पर बारिश हो रही थी, हल्की बूंदाबांदियों ने मेरे कष्ट को यहाँ पर और बढ़ा दिया था, डिस्कम्फर्ट यानी मेरी जो परेशानी है उसको और बढ़ा दिया था जल्दी ही। इट वॉज रेनिंग क्वाइट, और धीरे जल्दी ही ये क्या है, धीरे धीरे बरसात होना स्टार्ट हो जाता है। एंड हैवली, और तेजी से बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। पैजामा स्टार्ट पजामा, क्योंकि कपड़े गीले हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, त्वचा के चिपकने लगते हैं। एंड ए कोल्ड, और ठंड एंड की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ठंडी हवा चलने स्टार्ट हो जाती है और काफी जोर से बारिश होती है। ठंडी हवा जब स्टार्ट हो जाती है तो मेरे चेहरे पर क्या होता है, जो बरसात हो रही थी उसकी बूंदें आने लगती है। किसकी वजह से आने लगती है, ये हवा की वजह से आने लगती है। आई वेंट बैक टू द बाजार, और मैं वापस बाजार में जाता हूँ। क्लॉक टावर, और जो घंटाघर है, घंटाघर के नीचे जो शेल्टर बने हुए हैं, जो घड़ी है यहाँ पर रात के बारे में, फील्ड फॉर द देवर डैम्प फ्रॉम द रेन, यानी कि वो बरसात से क्या हो चुके थे, गीले हो चुके थे, वो शायद अनिल, प्रॉबली यानी कि शायद अनिल है, हैव गिवन मी यानी कि मुझे देता, टू और थ्री रुपीज टू गो टू सिनेमा, यानी कि दो या तीन रुपए है मुझे सिनेमा जाने के लिए, यानी फिल्म देखने के लिए देता। बट नाउ, लेकिन परंतु, आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी मेरे पास में ये सारे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज इस मील्स, यानी कि मुझे अब उसका खाना पकाने की जरूरत नहीं है। एंड रन टू दी बाजार, और बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है। और लर्न टू राइट ऑल सेंटेंस एनी मोर, और मुझे यहाँ पर पूरे वाक्य लिखने की भी अब जरूरत नहीं है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थीट, तो इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ। किसके एक्साइटमेंट में, किसके उत्साह में भूल जाता हूँ, चोरी के उत्साह में मैं इन सारी बातों को भूल जाता हूँ।
फिर हम बात करें यहाँ पर होल सेंटेंस यानी कि जो संपूर्ण वाक्य है, आई नो, मैं जानता हूँ कि मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज, यानी कि जो वाक्य मैं सीख रहा था, होल सेंटेंस वाक्य लिखना जो मैं सीख रहा था, आई नो, मैं जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100, सीख रहा हूँ उनसे मुझे पता है, या ये मैं जानता हूँ कि मैं पढ़ लिख करके एक दिन क्या है कुछ 100 रुपये कमा सकता हूँ, यानी कि जो वर्तमान में मेरे पास है उनसे ज़्यादा मैं पैसे कमा सकता हूँ। एंड इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील, तो यहाँ पर चोरी करना बहुत आसान है। एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल टू बी कैच, और कई बार पकड़े जाना भी बहुत आसान है, यानी जब हम चोरी करते हैं तो चोरी करना ही बहुत आसान है, और चोरी करने वाले को पकड़ लिया जाता है तो पकड़ना भी बहुत आसान है। वट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा आदमी कौन है, एक क्लीवर, एक चतुर आदमी कौन है, ए रेस्पेक्टेड मैन यानी एक सम्मानीय आदमी, वाज समथिंग एल्स यानी कि एक चोरी करना बहुत आसान है और चोरी करने वाला इंसान आसानी से पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन जो अच्छा आदमी है, बट टू बी रियली ए बिग मैन यानी कि एक बड़ा आदमी है, एक अच्छा आदमी कौन है जिसका कुछ सम्मान हो, जो चालाक हो, ये सभी बातें हैं उसके अंदर होती हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर अलग अलग हैं। अब हम देखें, आई शुड गो बैक टू अनिल, यानी कि मैं जाता हूँ, आई टोल्ड माई सेल्फ, और मैं अपने आप को बताता हूँ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे कुछ ना है या मुझे कुछ पढ़ना है तो मुझे क्या जाना चाहिए, अनिल के पास में जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं यहाँ पर बहुत ही नर्वस महसूस करता हूँ और हरीड बैक यानी कि वापस लौटना स्टार्ट कर देता हूँ। कहाँ पर वापस लौटना स्टार्ट कर देता है, वो कमरे की तरफ लौटना स्टार्ट कर देता है, टू दी रूम यानी कमरे की तरफ लौटना वो स्टार्ट कर देता है। हैरियड, हैरियड मतलब होता है घबराहट, आई हैरियड यानी मैं घबराता हूँ, एंड बैक टू दी रूम और रूम की तरफ जाता हूँ वेरी नर्वस यानी कि बहुत ही क्या घबराता हुआ रूम की तरफ जाता हूँ। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील अनडिटेक्टेड, यानी कि यहाँ पर ये बहुत आसान है, इट इज मच इजियर, ये बहुत आसान है टू स्टील यानी किसी चीज को चुराना, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड यानी कि बिना पता लगाए इसको लौटाना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके कंपैरिजन में अगर हम चोरी करते हैं तो वो बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने चोरी किया, अगर वो चोरी करने के बाद उन पैसों को वापस बिना पता चले लौटाने का कोशिश करता है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये इजियर नहीं है। जैसे दरवाजा खोलता हूँ, यहाँ पर दरवाजा खोलता हूँ और दरवाजे पर खड़ा हो गया, और क्या होता है, इन क्लाउडेड मून लाइट, और क्लाउडेड मून लाइट यानी बादल आई क्रीप्ट टू दी हेड ऑफ दी बेड, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेंगता हुआ, आई क्रीप्ट टू दी हेड रेंगता हुआ जो बेड का सिर है उसकी तरफ जाता हूँ, एंड माई हैंड कैम ऑफ दे जो हाथ हैं उनमें मैं पैसा लेता हूँ, यानी नोटों के लिए मैं अपना हाथ उठाता हूँ। आई फील्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जो उसकी सांसें हैं उनको मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था या महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, और मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए रहता हूँ, क्योंकि जैसे ही वो बिस्तर में पैसे रखने की कोशिश करता है तो
वो अनिल की सांसों को वहां पर महसूस करता है, क्योंकि अनिल का फेस भी वहीं पर था जहां पर उसको पैसे रखने थे। तो वहां पर वो कुछ समय के लिए इंतजार करता है, यानी कि उसी तरीके से बना रहता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैटर्स, और फिर मेरा हाथ है वो क्या करता है, गद्दे का एड्ज यानी किनारा मेरे हाथ को पता चल जाता है। एंड स्लिप्ड अंडर इट, और मेरा इट विथ दी नोट्स यानी कि मेरा हाथ पैसों के साथ में गद्दे के नीचे चला जाता है। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैज ऑलरेडी मेड दी टी, यानी मैं यहाँ पर अगली सुबह देर तक सोता हूँ, लेट जागता हूँ। आई अवॉक लेट यानी कि मैं लेट जागता हूँ। तो टू फाइंड दैट, तो मुझे पता चलता है दैट यानी कि अनिल ने पहले से ही क्या बना लिया है, चाय बना लिया है। अनिल हैज ऑलरेडी मेड दी टी यानी अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, और वह अपने हाथ है मेरी तरफ बढ़ाता है। स्ट्रेच्ड आउट यानी मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, टुवार्ड्स मी यानी मेरी तरफ बढ़ाता है। देयर वाज ए 50 रुपी, उनकी जो उंगलियां थी यानी अनिल की जो उंगली थी उनके बीच में कितने का नोट था, 50 रुपए का नोट था। माई हर्ट सेंग, और मेरा हृदय यहाँ पर घबरा जाता है यानी कि मैं घबरा जाता हूँ कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया, रात को मैंने जो चोरी की थी कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया है। तो मेरा माई हार्ट सेंक यानी मेरा हृदय यहाँ पर बैठ जाता है ये देख करके। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरी जो पोल है वो खुल गई है। आई हैड बीन डिस्कवर्ड यानी कि मेरी जो चोरी है वो पकड़ी गई है, ऐसा मुझे लगा। आई मेड, वो अब बताता है कि मैंने कुछ पैसे यहाँ पर कमाए थे कल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें रेगुलरली पैसा दिया जाएगा यानी तुम्हें रेगुलरली 50 रुपये या जो भी तुम्हारा बनता है वो रेगुलरली दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज यानी कि मेरा जोश है यहाँ पर बढ़ जाता है। माई स्पिरिट्स रोज यानी मेरा जो जोश है बढ़ जाता है। बट वहिन आई टुक दी नोट, लेकिन जब मैंने ये पैसे लिए थे, आई सा इट, मैं देखता हूँ, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम दी नाइट ट्रेन। तो मैं ये देखता हूँ कि जब मैं ये पैसा लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि रात को जब ये नोट गीले हो गए थे वो अभी भी गीले हैं। टूडे ही विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड, और वह कहता है कि आज हम सेंटेंस यानी वाक्य लिखना स्टार्ट करेंगे। वह क्या जानता है कि अनिल ने यहाँ पर, ये हरी सिंह है, इसने चोरी की है, यह वह जानता है। ही न्यू यानी वह जानता है। बट नाइदर ही हिज लिप्स और नॉर हिज आईज शोज एनीथिंग, परंतु ना तो उसने मोस्ट अपीलिंग वे यानी कि मैं अपने जो सबसे आकर्षक स्माइल है उससे के साथ में अनिल के सामने हंसता हूँ या स्माइल देता हूँ। एंड द स्माइल कम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अब की बार जो मैंने स्माइल की है उसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया है, कोई कोशिश नहीं की है। जो अब की बार स्माइल आई है, जो अब की बार जो उसके चेहरे पर मुस्कान आई है, चोर के चेहरे पर जो मुस्कान आई है वो अपने आप आई है, यानी उसके लिए उसने कोई प्रयत्न यहाँ पर नहीं किया है। अब यहाँ पर हम देखें जैसे कि अबाउट द ऑथर के बारे में बताया गया है, ऑथर के बारे में क्या बताया गया है, और अबाउट द स्टोरी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो हम देखते हैं अबाउट द ऑथर, जैसे कि रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, यानी कि ब्रिटिश काल का ये भारतीय लेखक है रस्किन बॉन्ड। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड
एजुकेशन यानी बच्चों की जो शिक्षा के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है उसका किन्हें पता चला है, उनका यहाँ पर पता चला है इंडियन काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड एजुकेशन यानी कि इंडिया आईसीएसई। उन्होंने इनका जो रोल है बच्चों के लिटरेचर में जो ग्रोथ होता है उसका पता लगाया है। ही रिसीव्ड दी साहित्य एकेडमी अवार्ड इन नाइन, उसे जो ऑथर है रॉस्किन बैंड उसको 1992 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। ही वाज आल्सो अवार्डेड दी पद्मश्री इन 1999 यानी 1999 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है एंड पद्म विभूषण 2014, और 2014 में यहाँ पर पद्म विभूषण भी मिला है। अबाउट द स्टोरी में क्या बताया गया है, दिस स्टोरी हैज ए सिंपल प्लॉट विथ द इम्पोर्टेंट मैसेज यानी इस कहानी में क्या है, एक साधारण सी बात कही गई है लेकिन किसके साथ में कही गई है साधारण सी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश ये बात देती है। ए यंग मैन होता है एक जवान आदमी, हरी सिंह कम्स दी अनिल हिंदी की, हरी सिंह नाम का एक जवान आदमी रहता है, एक लड़का रहता है जो अनिल के पास में चोरी करने के इरादे से आता है। बीइंग ए गुड फेलो यानी कि एक अच्छे आदमी की तरह वो आता है। बीइंग ए गुड फेलो अनिल वांट टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट यानी कि अनिल यहाँ पर अच्छा आदमी था इसलिए वो हरी सिंह को पढ़ाना और लिखाना स्टार्ट करता है। एंड ग्रेजुअली अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह, और जल्दी ही यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, अनिल है हरी सिंह पर विश्वास कर लेता है। अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह यानी हरी सिंह पर अनिल को विश्वास हो जाता है। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल यानी कि अनिल से चोरी करने के बाद हरी सिंह ट्राइज टू गो अवे, हरी सिंह यहाँ पर हमेशा के लिए अनिल से दूर जाना चाहता है। बट सम इनर वॉइस लेकिन उसकी अंदर की कुछ आत्मा आती है, आत्मा की आवाज़ आती है, अंदर से कुछ फीलिंग उसको आती है, इनर वॉइस यानी अंदर की आवाज़ उसे आती है, स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो यानी ऐसा करने से रोकती है, उसे हमेशा हमेशा के लिए अनिल से दूर जाने से कोई अंदर की आवाज़ आती है जो उसे रोक लेती है। थस हरी सिंह हु वाज द राइट पाथ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो हरी सिंह है इस तरीके से क्या करता है, डेविटेड, डेविटेड मतलब कि वो भूल जाता है अपना जो सही रास्ता है वो भूल जाता है। यहाँ पर महसूस करता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट वाज द अनिल वाचिंग व्हेन हरी सिंह मीट, तो क्या देख रहा था वो, रेसलिंग का मैच देख रहा था। राइट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क यानी हरी सिंह को बदले में जो काम करता था हरी सिंह अनिल के लिए तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है, रिटर्न में यहाँ पर सैलरी मिलती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं फूड एंड एकोमोडेशन भी कह सकते हैं यानी कि रहना और खाना मिल रहा था, पहले पैसे यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, फूड एंड बाद में मिले थे लास्ट में। अनिल बाज क्या था, अनिल एक राइटर था, पर हम कह रहे हैं जैसे सत्तर सत्तर बनना है। हरी सिंह टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, रेसलिंग मैच का हरी सिंह यहाँ पर पता करता है तो ये भी यहाँ पर करने की वो कुछ लेखक करने का काम करता है। हिट्स एंड स्टार्ट यानी बेतु का उधार ले लेता है किसी और से, कभी किसी और को उधार दे देता है। हरी सिंह वेंट बाई ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी यानी हरी सिंह है ट्रेन के पास में जाता है जब उसका पैसा यहाँ पर क्या हो जाता है, आफ्टर स्टीलिंग मनी यानी कि चोरी होने के बाद में वो ट्रेन के द्वारा चला जाता है।
ट्रेन के द्वारा ये कंप्लीट नहीं जाता है, वो रुक जाता है किसी वजह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, हु वाज हरी सिंह, हरी सिंह कौन था? व्हाई डिड अनिल डिसलाइक दी फर्स्ट मील कुक्ड बाई हरी सिंह? अनिल ने, अनिल को हरी सिंह के द्वारा पहली बार जो खाना बनाया था वो उसको पसंद नहीं आया। हाउ हरी सिंह फेल्ट वाइल वर्किंग फॉर अनिल, यानी कि जब अनिल के लिए काम कर रहा था हरी सिंह तो कैसा महसूस करता है? हाउ हरी सिंह किस तरीके से पैसा चुराता है? व्हाई डिड हरी सिंह नॉट स्टॉप अनिल, यानी कि अनिल के साथ में चोरी करना क्यों यहाँ पर क्या था, डिफिकल्ट था? लोगों के चेहरे पर क्या स्टडी किया? अनिल वाज दी मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस, अनिल यहाँ पर सबसे भरोसेमंद आदमी है, डिस्कस कीजिए बताइए। वाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही कुड गो बैक टू अनिल, यानी हरी सिंह ऐसा क्यों सोचता है कि उसे वापस अनिल के पास में जाना चाहिए? हाउ डिड अनिल मेक ए लिविंग, यानी अनिल अपनी जीविका कैसे चलाता है? हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह अच्छा चोर था, सक्सेसफुल सफल चोर था? डिस्क्राइब हरी सिंह रिएक्शन आफ्टर दी डिपार्चर ऑफ ट्रेन, यानी हरी सिंह के जो रिएक्शन थे ट्रेन के गुजरने के बाद में वो क्या क्या रिएक्शन थे उनके बारे में डिस्क्राइब करना है।